टेररिस्ट्स अब तक उनके हाथ मजबूत थे, हम मजबूर थे क्योंकि उनके हाथ में बड़ी बड़ी नोट्स जो थी। ब्लैक मनी होल्डर अब तक वो सफल थे, हम नाकाम थे क्योंकि ब्लैक टू ब्लैक उनकी तिजोरियां बड़ी बड़ी गड्डियों से जो भरी थी। नकली नोट्स वाले क्रिमिनल्स अब तक वो ताकतवर थे, हम कमजोर थे। जाली तो जाली, उनके पास पैसे तो थे, लेकिन अब देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। पूरा गेम चेंज हो गया है। मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट्स क्या बंद किए, जहां पाप का धन था वहां आग लग गई। जनाब, बॉर्डर से भी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है हम पर, वो भी बिना गोली चलाए। अरे सपने में भी नहीं सोचा था कि यह 100 करोड़ का बेड एक दिन कांटों का बिस्तर बन जाएगा, न उठ पाओ न बैठ पाओ। बड़ा कंसाइनमेंट मिला था नकली नोटों का, पर नोट ही बंद हो गए तो क्या नकली क्या असली। अब वो मजबूर हुए, हम मजबूत। अब वो नाकाम हुए, हम सफल। अब वो कमजोर हुए, हम ताकतवर। क्या हम कौन है? हम भारत के गरीब, मिडिल क्लास और बहुत ही छोटे लोग हैं भाई। हमारी जेब में कहां बड़ी बड़ी नोट होती हैं? पैसा फंसा हुआ था, एक साथ निकल रहा है। अब नदियां बहेंगी सफेद पैसों की, अब खुशियां मिलेंगी गरीब के हिस्से की, बेहतर मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के रूप में। इसे कहते हैं एक तीर से 3 निशान लगाना, करप्शन, टेररिज्म और काउंटरफेट नोट। और हाँ, जय हिंद।